जय साथियों, मैं देव आपका अपने YouTube चैनल सिरसागंज फिजिकल अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, RPF की वैकेंसी आ गई है, तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर कि इसकी एज क्या है, फीस कितनी है और इसमें फिजिकल क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है RRB रेलवे RPF कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर SI की वैकेंसी है 2024। यहाँ देखो जो ऑनलाइन डेट है वो आपकी है 15/4/2024, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 14/5/2024, 14 तारीख पांचवा महीना 2024 को आपकी लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। करेक्शन डेट, किसी किसी का फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती है, कोई और भी गलती हो जाती है, तो वो अपनी 15 तारीख से 24 तारीख के बीच में सही करा सकता है पांचवे महीने में, है ना। यहाँ देखिए फीस जो रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं, जनरल OBC की जो फीस है वो कितनी है बेटा, आपकी 500 रुपये है, और ST SC वालों की कितनी है बेटा, 250 रुपये है, 250 रुपये है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सी भी कैटेगरी हो, ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करा दें। यहाँ एक चीज और देखिए, एज की बात करता हूँ तो एज जो कॉन्स्टेबल में मांगी है वो आपकी 18 से 28 मांगी है, इसमें आपको 3 साल की छूट रहने वाली है, और SI के लिए जो मांगी है वो आपकी 20 से 28 मांगी है। 20 साल से 28 साल के बीच में कोई बंदा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेबल में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो बेटा 10th पास, जो हाई स्कूल पास है वो फॉर्म डाल सकता है RPF कॉन्स्टेबल में। और आपके SI के लिए जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है, BA BSc वाले डाल सकते हैं इसको आराम से, इसमें 3 साल की छूट रहने वाली है, इसमें भी 3 साल की छूट है। अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न पेपर की, किसकी बेटा, रिटर्न पेपर की बात करेंगे हम थोड़ी सी बाद में, तब तक के लिए फिजिकल समझ रहे हैं, पहले हम फिजिकल समझ रहे थे। फिजिकल में क्या है बेटा, यहाँ देखते हैं हाइट, हाइट जो है जनरल OBC वालों की कितनी हाइट मांगी है बेटा, 1.65, ST SC वालों के लिए 1.60 मांगी है। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जो जनरल OBC में आते हैं उनके लिए 1.57 मांगी है, SC ST वालों के लिए 1.52 मांगी है। अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो 1600 मीटर रनिंग है कॉन्स्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 5:45 में आपकी 1600 मीटर को कवर करना है, और SC ST वालों के लिए भी यही है, कितनी, 5:45। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 1600 मीटर नहीं लगानी है बिल्कुल फीमेल के लिए, और SI की बात करता हूँ 1600 मीटर, तो SI वाले 6:30, मतलब 6:30 में आपकी रनिंग मांगी है 1600 मीटर। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, यहाँ पे 800 मीटर मांगी है फीमेल के लिए, वो कितने मिनट में, 4 मिनट में, SI फीमेल जो है उनके लिए 4 मिनट में मांगी है। कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए कितनी मांगी है, 4:40, कितना बेटा, 4:40 मांगी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग जंप की बस, तो लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट मांगी है SI के लिए, 12 फीट मांगी है जनरल OBC के लिए, और SC ST वाले, मतलब फिजिकल में कोई फर्क अंतर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर फिजिकल में कोई अंतर नहीं आ रहा है ST और OBC वालों के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग जंप जो मांगी है कॉन्स्टेबल के लिए वो 14 फीट मांगी है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये भी 14 फीट मांगी है। फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ मैं, तो लॉन्ग जंप जो है वो आपकी 9 फीट मांगी है, यहाँ भी 9 फीट मांगी है। अगर हाई जंप की बात करता हूँ, हाई जंप की क्या है, अगर हाई जंप की मैं बात करता हूँ बहुत यहाँ पे, तो SI के लिए हाई जंप मांगी है 3 फीट 9 इंच, और यहाँ पे 3 फीट 9 इंच फीमेल के लिए मांगी है बहुत 3 फीट फीमेल के लिए। SI के लिए कितनी मांगी है हाई जंप, 3 फीट मांगी है। हाई जंप कॉन्स्टेबल की बात करते हैं तो कितनी मांगी है, 4 फीट फीमेल के लिए कितनी मांगी बेटा, 3 फीट फीमेल के लिए 3 फीट मांगी है, और मेल के लिए कितने मांगी है, 4 फीट कॉन्स्टेबल हाई जंप। यहाँ बेटा समझ आ रहा है, आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं रिटर्न की, किसकी रिटर्न की, तो मैं आपको बता दूं 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे,
90 मिनट का समय मिलेगा, आपको 120 क्वेश्चन नजर आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का होगा बॉस। अगर यहाँ नेगेटिव मार्क भी है, ध्यान रखना है हमें नेगेटिव मार्क भी है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1/3 का नेगेटिव मार्क मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को नजर आएंगे, कितने 35 क्वेश्चन नजर आएंगे, रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन नजर आएंगे, जीएस से आपको 50 क्वेश्चन नजर आएंगे, कितने आएंगे जीएस से 50 क्वेश्चन नजर आएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना बॉस, यही आपका नोटिफिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से पढ़ के जाए, मेहनत करें। मैथ आपका 35 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की है, जीएस आपकी 50 नंबर की रहने वाली है। तो आप मेरे, अगर आपको समझ आया है, अगर मैंने आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझाया है, तो मेरी क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना, जिससे कुछ बच्चे आपके भाई बहन मित्र जो भी है उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, तो उनको आप शेयर कर दें, जिससे वो नोटिफिकेशन देख पाए और अपना फॉर्म अप्लाई कर पाए, जिससे आप मेहनत कर लें, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ पढ़ाने को भाई देखने को मिल जाएगा, मैथ की क्लास चलेंगी, रीजनिंग की चलेंगी, और जीएस में आपकी जो है वो ज्योग्राफी की क्लास चलने वाली है। किसकी? ज्योग्राफी की क्लास चलने वाली है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, डेली की डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा ऐसे ही। अगर इसमें कोई भी, अब यहाँ पे कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, एसएससी की वैकेंसी भी चल रही है, एसएससी का आपको नोटिफिकेशन मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।